आज कुछ अनमनी सी थी, बस बिस्तर पर करवटें बदलती रहीं। नींद मुझसे कोसों दूर थी। घड़ी के टिक टिक पर नज़रें गड़ाए रात कट रही थी। जैसे तैसे सुबह के 5 बजे मैंने झटपट बिस्तर छोड़ा। नित्य कर्म से फारिग होकर मैं छत पर गई। चारों ओर अंधकार पसरा हुआ था। हवा सन्नाटे को चीर कर मेरे कानों से छू कर जा रही थी। धीरे धीरे प्रकाश फैलने लगा। पक्षी स्वच्छंद आकाश में चहचहाते हुए उड़ान भरने लगे। स्वर्णिम लालिमा बिखेरते हुए साक्षात नारायण देव मेरी छत से उदित होने लगे और इस तरह मेरी कविता ऊषाकाल ने जन्म लिया। भोर हुई सूरज उग आया नीले आकाश का कलेजा चीर, देखो सूरज उग आया। पक्षियों का कलरव सुन, बादल का आंचल लहराया, देखो सूरज उग आया। फैला हुआ था गहन अंधकार, बादल का सीना चीर, देखो सूरज उग आया। शांत नीरव था ये गगन, अचानक कौन ये कोलाहल ले आया, देखो सूरज उग आया। स्वर्ण सी लालिमा मुख पर रश्मियों का तेज लिए, आशा की किरण ले आया, देखो सूरज उग आया। सूरज का उदित होना अंधकार को नष्ट कर आशा की किरण जगाता है, हमें सकारात्मकता की ओर ले जाता है। मेरी लेखनी से भैरवी कथित।